स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट फोर्स पी ठीक है ये पी है स्मॉलेस्ट फोर्स ठीक जिसका वैल्यू अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब वैल्यू और डायरेक्शन मतलब उसका थीटा के वैल्यू निकालना है ठीक है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द व्हील ओवर द ब्लॉक ठीक है इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसका मतलब क्या है कि अपने को पी फोर्स का वैल्यू निकालना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जब व्हील क्या है इससे उठ जाए ठीक है और ये ब्लॉक में टिक जाए ठीक है तो क्या करते हैं हम इसके हिसाब से ये यहां से क्रॉस करते हुए 90 डिग्रीज को बनाएंगे तो ये अगर मान लेते हैं ये ऐसा क्रॉस हो रहा है यहां से ठीक तो ये थर्टी है तो ये कितना आएगा आपका सिक्सटी उसी तरीके से जो ये इसका टच है ठीक है इस टच के कारण ये कैसे जाएगा ये रिएक्शन ऐसा एंगल बनाते हुए जाएगा ठीक है तो अगर मैं ऐसा फोर्स जा रहा है यहां से यहां पर तो देखिए अगर ये थर्टी है ये क्या हो जाएगा आपका सिक्सटी डिग्री हो जाएगा क्यों क्योंकि ये नाइनटी डिग्री होता है हमेशा अब ये सिक्सटी डिग्री है तो डायरेक्ट मतलब क्या है ये बेस से ये कितना आ गया आपका सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री आ गया और टोटल कितना होता है नाइन्टी तो ये कितना आएगा आपका थर्टी डिग्री है ना अब क्या करना है मेरे को ये एंगल पता करना है है ना अब इस एंगल के बारे में पता करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं एक इस ब्लॉक के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं ठीक है अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं जैसे अगर मैं नेमिंग करूं इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं ए पॉइंट इसको मैं ले लेता हूं बी ठीक है इसको मैं ले लेता हूं सी और ये मान लेते हैं अपन इसको डी तो मैं इस ट्राइंगल को अगर बनाऊं तो यह ट्राइंगल कैसा है देखो ये ऐसा जा रहा है ठीक ये कंप्लीट सिक्सटी डिग्री है ये एंगल तो पता नहीं मुझे मुझे इस एंगल के बारे में पता करना और ये एंगल कितना आपका अल्फा ठीक है तो अगर मुझे अल्फा चाहिए है ना तो अल्फा में ये जो है पोर्शन इसको मान लेते हैं सी इसको ले लेता हूं बी और ये हो गया आपका डी ठीक तो अगर ये जो है इसमें रेडियस कितना दिया आपका सिक्सटी सेंटीमीटर तो डेट मीन ये क्या हो गया आपका सिक्सटी सेंटीमीटर इस हाइट की बात करूं टोटल सिक्सटी है सिक्सटी से फिफ्टी माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा फोर्टी फाइव ठीक है तो ये ट्राइंगल से मुझे क्या पता चलेगा अल्फा की वैल्यू है ना तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो अल्फा कैसे निकाल सकता हूं क्या पता है मुझे बेस पता और हाइपोटेनस पता है दैट मीनस अल्फा कैसे निकलेगा कॉसिटस कॉस अल्फा से निकलेगा तो कॉस अल्फा क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस डेट मीनस अल्फा क्या लिख सकता हूं मैं कॉस इनवर्स ऑफ बेस कितना है 45 फाइव अपॉन हाइपोटेनस कितना आपका 60 डिग्री तो कॉस इनवर्स ऑफ 45 फाइव अपॉन सिक्सटी तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है ये जो वैल्यू आ रहा है इसका आ रहा है 41.41 डिग्री ठीक है से क्या मिला अल्फा क्या मिल गया आपका फोर्टी वन पॉइंट फोर वन डिग्री ठीक है यह एंगल अभी भी बचा है ठीक है इस एंगल को मैं मान लेता हूं बीटा ठीक है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि टोटल कितना आपका सिक्सटी डिग्री तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री है ना मुझे अल्फा की वैल्यू निकल गई तो बीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा सिक्सटी डिग्री माइनस अल्फा तो सिक्सटी माइनस ये कितना आ रहा है एटीन पॉइंट फाइव नाइन डिग्री डेट मींस बीटा कितना हुआ एटीन पॉइंट फाइव नाइन डिग्री ठीक है अब फोर्स को रिजोल्व करने में इजी जाएगा देखो यहां टच था तो यहां पर क्या लगता है रिएक्शन लगेगा इसको मैं क्या लिखता हूं आर ए उसी हिसाब से ये टच था तो यहां जगह नहीं है तो मैं सीधा यहां पर इसको दिखा दे रहा हूं ये क्या हो गया आपका आर बी है ना और कोई फोर्स जा रहा है क्या नहीं तो अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ठीक है अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो पहले क्या बनेगा क्वाड्रेंट है ना क्वाड्रेंट पे क्या जा रहा है ये टेन किलोमीटर का लोड जा रहा है यहां से इस क्वाड्रेंट से एक आरबी रिएक्शन जा रहा है ये है कितना एंगल बना रहा है ये बीटा है तो ऑब्वियसली ये भी कितना बनेगा आपका बीटा पी फोर्स जा रहा है ऐसा है ना और ये कितना बना रहा है थीटा एक दो तीन यहां से एक और रिएक्शन जा रहा है आर ए जो कि क्या बना रहा है सिक्सटी डिग्री यहां से यहां तक क्या बना रहा है आपका सिक्सटी डिग्री अब क्या करना है इसके हिसाब से मैं सिग्मा एफेक्ट सिग्मा लूंगा तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो अब इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स ठीक है तो क्या लिख सकता हूं पी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ए कॉस सिक्सटी डिग्री प्लस आर बी कॉस बीटा नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू जीरो अपवर्ड पॉजिटिव ये कैसे अपवर्ड पॉजिटिव मतलब ऊपर जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स तो क्या लिख सकता हूं साइन थी टा प्लस आर ए साइन सिक्सटी डिग्री प्लस आरबी साइन बीटा इज इक्वल्स टू टेन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहां पर मैं आर ए जानबूझ के बनाया ताकि इसको इसके मदद से हम इसको एंगल निकालने में इजी जाए ठीक है मगर आर ए हम यूज नहीं करेंगे ये हो जाएगा आपका जीरो आर ए टर्म क्या हो जाएगा जीरो क्यों होगा क्योंकि यहां पर क्या लिखा था पी की सोने सेल्यू चाहिए कब जब ये खींचा जाए तो ये ब्लॉक उठ जाएगा जहां से ये टच छूट जाएगा तो सरफेस में अगर टच रहेगा ही नहीं तो रिएक्शन लगेगा ही नहीं ठीक है इसीलिए हम इसको क्या कर दिए जीरो मान लिए ठीक है तो अब इससे मुझे मेरे को तो पी की वैल्यू में मिल चाहिए ना तो इससे मैं आरबी को सब्सिट्यूट कर देता हूं तो आरबीसी को क्या लिख सकता हूं पी कॉस थीटा अपॉन कॉस बीटा अब आरबी के लिए यहां निकल गई अब मैं इसको यहां यूज कर लूंगा तो क्या लिख सकता हूं पी साइन थीटा प्लस आरबी की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं पी कॉस थीटा अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू टेन साइन बीटा कॉस बीटा क्या लिख सकते हैं टेन बीटा लिख सकते हैं तो क्या लिखूंगा यहां पर पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकला था एटीन पॉइंट एटीन पॉइंट फाइव नाइन ठीक है तो सीधा लिख देता हूं मैं टेन एटीन पॉइंट फाइव नाइन डिग्री इज इक्वल्स टू टेन अब मुझे तो इसमें पी की मिनिमम वैल्यू चाहिए डेट मीन्स पी कॉमन निकालना पड़ेगा तो पी कॉमन निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन एटीन पॉइंट फाइव नाइन वैल्यू कितनी आ रही है जीरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स इज इक्वल टू टेन अब क्या कर सकते हैं इसमें पी को निकालना है तो पी का वैल्यू क्या लिख सकता हूं टेन अपॉन साइन थीटा प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स कॉस थीटा अब किसी भी चीज के मिनिमम वैल्यू चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं क्या करते हैं डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं है ना तो अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स कॉस थीटा इज टू जीरो इसको डिफ्रेंशिएशन करने से क्या मिलेगा साइन थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स साइन थीटा इज टू जीरो अगर मैं इसके इधर ले आता हूं तो क्या लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन जीरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स जिसको मैं क्या लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन जीरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स तो टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन जीरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स इसकी वैल्यू क्या आ रही है थीटा की वैल्यू आ रही है सेवेंटी वन पॉइंट फोर टू सेवन डिग्री पता चल गया और थीटा पता चल गया ये थीटा क्या है ये वो थीटा है जब पी मिनिमम होता है तो मैं क्या करूंगा इसी क्वेश्चन में पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा फॉर पी मिनिमम ठीक है फॉर पी मिनिमम थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी सेवेंटी वन पॉइंट फोर डिग्री ठीक है तो पी मिनिमम का वैल्यू क्या हो? लिखेंगे टेन अपॉन साइन सेवेंटी वन पॉइंट फोर टू सेवन डिग्री प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री सिक्स इंटू कॉस सेवेंटी डिग्री तो पी मिनिमम की वैल्यू आएगी 10 अपॉन साइन आंसर प्लस 0.33 सॉरी 0.366 पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स आंसर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है नाइन पॉइंट थ्री नाइन वैल्यू कितनी आई नाइन पॉइंट थ्री नाइन किलो न्यूटन थैंक यू